की जहाँ जहाँ से गुजरेगी, और कुछ चंद जगहों पे हमने वीडियोग्राफी भी कराई है और कोशिश करेंगे कि पूरी यात्रा की वीडियोग्राफी भी रहे। यात्रा में डीजे होगा, ना कोई लाउड स्पीकर होगा और ना ही किसी प्रकार को हथियार, किसी भी प्रकार के हथियार को लाने की इजाज़त रहेगी। कि जिस भाईचारे के लिए मेवात प्रसिद्ध रहा है अब तक, उसी को हम और आगे एक कदम बढ़ाएंगे। जुलाई को नुह के नलेश्वर शिव मंदिर से शुरू होकर जिले के अलग अलग मंदिरों में जाने वाली जल अभिषेक यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसे लेकर जिले के पुलिस कप्तान ने जहां कई मंदिरों का निरीक्षण करने के बाद उनकी वीडियोग्राफी कराई है, वहीं जल अभिषेक यात्रा का आयोजन करने वाली कमेटी के साथ बैठक करके कई जरूरी मुद्दों पर बातचीत की ताकि इस यात्रा को कामयाब बनाया जा सके और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल को मेवात के अंदर फिर से दोहराया जा सके। पूरा प्रशासन जलाभिषेक यात्रा के लिए तैयार है। इसी संदर्भ में आज मैंने दो मंदिर, क्योंकि ये कल मैंने विजिट कर ली थी, दोनों मंदिरों की सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था को लेके, और जो लोकल अधिकारी है और उनकी कमेटी है, जो मंदिर कमेटी है, उनसे बातचीत करी है। टॉप से लेके बेस लेवल तक लगभग हमने सभी लोगों का सहयोग मांगा है और लोगों ने भी बड़े उत्साह से सहयोग करने की बात कही है, और ये बिल्कुल यादगार और बहुत ही अमन चैन वाली यात्रा रहेगी। ड्रोन की हम मदद ले रहे हैं सुरक्षा कारणों से। इसके अलावा जहाँ जहाँ ये यात्रा जाएगी, जहाँ जहाँ से गुजरेगी, और कुछ चंद जगहों पे हमने वीडियोग्राफी भी कराई है और कोशिश करेंगे कि पूरी यात्रा की वीडियोग्राफी भी रहे। और आपको दिखाई दे रही है पुलिस निरीक्षण की तस्वीरें नुह मेवात के मंदिरों की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जिले के पुलिस कप्तान अपनी टीम के साथ मंदिरों का निरीक्षण करा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का जायजा ले रहे हैं। इस निरीक्षण के दौरान पुलिस ने पार्किंग से लेकर यात्रा मार्ग तक का मुआयना किया और कुछ जरूरी निर्देश भी जारी किए ताकि यात्रा को सुरक्षित मंदिरों तक पहुंचाया जा सके और पिछली बार यात्रा के दौरान हुए उपद्रव को ना दोहराया जा सके। इसके अलावा भी जो जो कारण है हर प्रकार के, उनकी भी देख रेख की गई है, उनको दिमाग में रखा गया है और उनसे संबंधित लगातार इंटेलिजेंस गैदर की जा रही है, और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही शानदार यात्रा रहेगी। ना ही इस यात्रा में डीजे होगा, ना कोई लाउड स्पीकर होगा और ना ही किसी भी प्रकार के हथियार को लाने की इजाज़त रहेगी। तो हर तरीके से जो इस यात्रा को करवा रहे हैं, जो आयोजन करता है, उनको इस बारे अवगत करा दिया गया है। लोगों से तो यही अपील है कि जिस भाईचारे के लिए मेवात प्रसिद्ध रहा है अब तक, उसी को हम और आगे एक कदम बढ़ाएंगे और एक नई मिसाल पैदा करेंगे। बता दें कि पुलिस के द्वारा जहां अब की बार जल अभिषेक यात्रा में डीजे बजाने व किसी भी प्रकार के हथियार ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है, वहीं दूसरी तरफ यात्रा पर जहां पुलिस ड्रोन के माध्यम से नजर रखेगी, वहीं दूसरी तरफ वीडियोग्राफी भी कराएगी ताकि कोई उपद्रवी तत्व इस जल अभिषेक यात्रा के दौरान कोई उपद्रव न कर सके। लेकिन देखना इस बात का होगा कि इस यात्रा को लेकर पुलिस द्वारा कोई अन्य जरूरी गाइडलाइन तो जारी नहीं की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा, वरदान नुह, मेवात। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।